कर्नाटक के नेता डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अब उन पर लगे आरोपों की जांच उनकी बेटी तक पहुंच गई है और उनकी बेटी पर भी ईडी की गाज गिरने वाली है। डीके शिवकुमार ने अपनी बेटी के नाम से बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है और ऐश्वर्या के नाम पर 108 करोड़ की संपत्ति भी बताई जा रही है, जबकि उनकी उम्र महज 22 साल है। 2018 के चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में डीके शिवकुमार ने अपनी संपत्ति 618 करोड़ बताई थी और कैफे कॉफी डे से भी ऐश्वर्या को 20 करोड़ का कर्जा दिए जाने की बात सामने आई है। प्रवर्तन निर्देशालय ने शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या को नोटिस भेज दिया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी उनसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ करेगी। बता दें कि शिवकुमार पर 2017 में इनकम टैक्स ने मामला दर्ज किया था और उस समय उनके घर से काफ़ी सारा कैश भी बरामद हुआ था। शिवकुमार तो ईडी के शिकंजे में है, लेकिन अब उनकी बेटी भी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।